हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खीर तो हम सब बनाते हैं, लेकिन मैं आज आप सबके साथ अपने स्पेशल खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए लगभग हमें आधा कप चावल, एक कप चीनी, कुछ काजू, बादाम, इलायची और लगभग 2 लीटर दूध चाहिए। दूध को हम बॉयल कर लेंगे। और जब तक दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम अपनी सारी ड्राई फ्रूट्स कट कर लेंगे। आप चाहें तो बादाम को ब्लांच करके भी चॉप कर सकते हैं। जब तक मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं, तब तक दूध बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें अच्छे से वॉश किए हुए चावल मिक्स कर देंगे। इसको एक बार दूध में अच्छे से मिक्स करके इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में हमको हिलाते रहना है ताकि नीचे से वो जले नहीं। जब तक चावल पक रहा है, हम एक ग्राइंडर में चीनी और इलायची पीस लेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो चीनी पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। चीनी डालने के पहले चावल एकदम पक जाए, उसके लिए आप चावल को अपनी उंगलियों के बीच में दबा के देख सकते हैं। अगर वो अच्छे से मैश हो रहा है, इसका मतलब चावल पक गया है। चावल पकने में लगभग 15-20 मिनट्स लग जाते हैं। यहाँ चावल पक गया है और अब मैं उसमें चीनी डाल रही हूँ। अब हमें दूध को गाढ़ा होने तक पकाना है, इसके लिए लगभग 10-15 मिनट्स और चाहेंगे। बीच बीच में याद रखिएगा, उसको हिलाते रहना है ताकि नीचे से वो जले नहीं। यहाँ मेरी खीर पक गई है, अब मैंने इसे ढक दिया है। खीर जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स चॉप किए थे, उसका आधा हम इसमें मिक्स कर देंगे और आधा हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। खीर को ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। और ये तैयार है हमारी ठंडी ठंडी रबड़ी जैसी खीर। अब इसे हम बादाम के फ्लेक्स और काजू से गार्निश करेंगे। इसे यूं ही ठंडा ठंडा सर्व करें। आप एक बार बना के देखिए, वो बहुत ही लाजवाब बनती है। आपके गेस्ट भी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।